अगला सवाल देखा लगा सोल और फल के दे रखा है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देना, कितने पुरस्कार देने आपको? 7 पुरस्कार देने। अब सर इसमें जो कुल कुल जो है इनाम की राशि कितनी है आपके? 700 कुल योग, मतलब एस कह सकते हो एस एन, कि कितना दे रखा है? 700 रुपये कुल आपके इनाम के लिए। इसने कहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार कितने कम है आपके? 20 रुपये कम है। जो फर्स्ट आए उसके नंबर उसको रुपये ज़्यादा मिलेंगे, सेकंड वाला ने कम मिली, थर्ड ने और कम मिली, और कितना फर्क है आप 20 रुपये फर्क है। माना कि जैसे देखो, जैसे मान लो 20 कम मिल गया तो बताओ डी की तरह आप डी हो गया आपके माइनस का 20, या अधिक बढ़ रहा था तो डी किस में हुआ? प्लस में, और यहाँ क्या हुआ आपके? माइनस में। जैसे मान लो कि उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो कि पहले को मिल रहा है आपके 100 रुपये, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 80 रुपये, 20 रुपये कम मिलते हैं। अगर हम डी याद करना, सूत्र क्या याद करने का? दूसरा पद माइनस पहला, 80 माइनस 100 कितना हो गया? माइनस के 20। ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, मानना पहले को कितने मिले? फर्स्ट को मिला है एक्स, तो दूसरे को कितना मिला है? 20 कम है, एक्स माइनस 20। अब डी याद तो क्या करने का? दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दूसरा पद तो है एक्स माइनस 20, इस पर क्या माइनस करेंगे हम? एक्स माइनस एक्स कैंसिल, कितना आया है? 20। 20 ज्यादा कौन सा है? माइनस के। आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, समझ लो, कुल मिला के पिछले वाले क्या मिलेंगे? 20 रुपये क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे, तो डी क्या आएगा आपके? माइनस में आएगा। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, ये वाला माना पहले को कितना मिला, सेकंड क्या मिलेगा? 20 रुपये कम मिलेगा, अधिक मिला तो डी प्लस में, और कम मिला क्या आएगा? डी आपके माइनस में आएगा। उसने क्या कहा आगे? एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में क्या लिखा है? हमें ज्ञात है प्रत्येक पुरस्कार ज्ञात, क्या करना है? प्रत्येक पुरस्कार ज्ञात क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है कि किसको कितने मिले, ये क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, मतलब पुरस्कार कितने हैं? 7 पुरस्कार, पुरस्कार संख्या 7, मतलब एन कितना हो गया आपके? 7 हो गए। हम ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले को कितने मिले, फिर क्या करेंगे? 20 कम कर देंगे तो क्या होगा? देखो ऐसे हम सूत्र क्या करेंगे, देखो यही सूत्र एन बटा दो कोष्टक टू ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन कोष्टक बी, एस एन 700, एन कितना है? 7 बटा दो कोष्टक दो ए प्लस एन कितना है? 7 माइनस ए, डी कितना है? माइनस के 20। ए का मान दे नहीं रखा, ए का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ये 700 है, इनके बीच में इंटू निशान है, इधर आई संख्या तो गुणा वाले भाग में भाग वाले गुणे में, ऐसे 2a प्लस 7 में से 1 गया, 6 इंटू माइनस का 20 काट जाता है आपके 100 बार, 100 इंटू 2 200 बराबर 2a, 2a प्लस माइनस माइनस कितना हो गया? 120, ये माइनस का है, ये हो जाएगा आपके प्लस में, तो ये हो जाएगा आपके 200 तो है ही, प्लस का 120 बराबर 2 है, कितना हो गया? 120 बराबर 2 है, ये 2 गुणा हो जाएगा आपके भाग में, तो a का मान रहेगा 320 बटा 2 160। सबसे पहले इनाम कितना है आपके? 160 का। अब बाद में क्या है आपके? 20 रुपये कम, 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, 20, खत्म हो गया भाई, 700 रुपये खत्म हो गए, ये है कंप्लीट। अब तो आप जान करने में 100 बोलो कितना लगा देखो, 200, 400, 600, 700, ये 200 होते हैं, 400, 600, और ये कितना हो गया आपको? 700। जब एक क्रम में हो तो पीछे वाले से जोड़ कर भी कर सकते, सब में अंतर बराबर है, इसलिए आया हाथ से कम्प्लीट रहेगा। सबसे फर्स्ट नाम किसका है? 160 रुपये, और कम किसका है? 40 रुपये, जितने घट भी रहे हैं सबका जोड़ कितना हो रहा है आपके? 700 भी हो रहा है।